अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक अधिकारी बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करते तथा नोटबंदी से लेकर आज केंद्र या राज्य सरकार ने किसानों की समस्या को अनदेखा करती आ रही है, जबकि केंद्र सरकार ने अरबपतियों के अरबों जब कर्जे मुक्त किए, परंतु अन्य दाता किसानों जो कि कर्जे में आत्महत्या करके मर रहे हैं। ठाकुर भानु प्रताप ने कहा कि यदि किसानों का कर्जा मुक्त नहीं किया गया तो भारतीय किसान यूनियन भानु के द्वारा संपूर्ण भारत में आंदोलन करेगा। कार्यक्रम में सत्येंद्र सेंगर राष्ट्रीय अध्यक्ष मीडिया अधिकार मंच भारत, प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर अशोक सिंह, राष्ट्रीय महासचिव धीरज सिंह, राष्ट्रीय महासचिव पवन ठाकुर, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री शानू अली, सिमरन जी प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा मौजूद रहे। कार्यक्रम समापन के बाद शालू अली राष्ट्रीय प्रचार मंत्री, सिमरन प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा, जेपी राजपूत नव नियुक्ति जिला अध्यक्ष औरैया, अमित त्रिवेदी महासचिव औरैया, गोपाल जी जिला अध्यक्ष मजदूर मोर्चा का आदि सभी का भव्य स्वागत किया गया। भानु प्रताप सिंह भारतीय किसान यूनियन भानु का राज्य अध्यक्ष हूँ और किसान क्रांति दल का भी राज्य अध्यक्ष हूँ। हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय ऋषि मिश्रा जी ने 11 तारीख को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पंचायत धरने का लखनऊ में मन बनाया था। उन्होंने स्थान गन्ना संस्थान रखा था। हमने कहा कि यदि आप हमें बुलाते हो तो हमारे पूरे भारत के जो राज्य पदाधिकारी हैं, प्रदेशों के पदाधिकारी हैं, मंडलों के, जिलों के, वो सब पदाधिकारी पदाधिकारी आएंगे। भीड़ नहीं आएगी तब भी गन्ना संस्थान में नहीं आ पाएगी, गाड़ियां ही नहीं आ पाएगी। वो आज आपने देख लिया, इतना मौसम, हमने स्थान बदलवा दिया और ये मैदान जो पीजीआई की नजदीक पड़ता है, राजमुरी रोड पर पड़ता है और ये जो वृंदावन वो है उसके पास में पड़ता है, तो इस मैदान को हमने रखवाया था और आज आपने देख भी लिया। इतना मौसम खराब होने के बाद हजारों लोग तो स्टेशन पर पड़े, हमारे एटा के तो हजारों लोग अभी चार रात रेलवे स्टेशन पर और जंक्शन पर पड़े हुए हैं। मांग हमारी ये थी कि जो हमें महसूस हो रहा है कि सारे अधिकारियों ने ये मन बना लिया है कि बिना पैसा के कोई काम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश और भारत में भ्रष्टाचार इस कदर व्याप्त है कि नस नस में भ्रष्टाचार फैल गया है। अब आपको भी उदाहरण बताओ तो उदाहरण, माननीय प्रधानमंत्री ने 14 में कहा था कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण किसान को फसलों के दाम नहीं मिले, इसलिए किसान कर्जदार है, तो वो कर्जा हम पूरा का पूरा किसानों का माफ करेंगे और फिर किसान आयोग का गठन करेंगे, फिर किसान आयोग के सहयोग से फसलों के दाम करेंगे, तय तब होगी आमदनी दूनी और विदेशों से काला धन लाएंगे। न काला धन आया, न भूरा धन आया, नोटबंदी आई थी, नोटबंदी से प्रॉपर्टी का काम करने वाले हजारों लोग बिल्कुल नेस नाबूद हो गए। 3 साल नोटबंदी की वजह से आलू फेंका, हमारा क्षेत्र आलू का है, हमारे लड़के ने भी पट्टे पर खेती लेके हजारों बीघे आलू किए थे, वो नोटबंदी वाली साल, दूसरी साल और तीसरी साल एक पैसे का भी नहीं बिका, करोड़ों रुपए का कर्ज होने पर ओम प्रताप सिंह मेरे 35 साल के पुत्र ने 24 जनवरी 2018 को 7:30 बजे आत्महत्या की थी। उसके बाद हमारा नाती नातिन अनाथ हो गए, बहू विधवा हो गई, लेकिन किसी भी केंद्र सरकार के महारथी ने, किसी भी केंद्र सरकार के मंत्री ने ये तक नहीं पूछा 14 में समर्थन, 19 में समर्थन, 17 में समर्थन, 22 में समर्थन देते देते मैं पागल हो गया, लेकिन किसी ने ये बुला के नहीं पूछा कि आखिर आपका पुत्र बना है तो हमसे क्या चाहते। हम कुछ नहीं चाहते थे, हम केवल चाहते थे कि अब और किसी किसान का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, किसी का
पुत्र न मर पावे, ऐसा इंतजाम ये सरकार करे। लेकिन एक बार हमने सुना था जो वित्त मंत्री साहब है वो कह रही थी कि उद्योगपतियों के खाते एनपीए हो जाएंगे तब भी हम उनको लोन देंगे, कर्जा देंगे और उनका कर्जा माफ कर देंगे। हजारों करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ किया जाता है और जो अन्नदाता किसान पूरे भारत के मानवों को और जीव जंतुओं को अपनी मेहनत से जिंदा रखता है उसको थोड़े से कर्जे में जेल में डाल दिया जाता है। ये अन्याय भानु प्रताप सिंह और भारतीय किसान भानु कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। या तो मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, पैर छूता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, हमारी बात मान लो, किसानों के कर्जे माफ कर दो, किसान आयोग का गठन कर दो और किसान आयोग के द्वारा ही फसलों के दाम तय करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो भारतीय किसान भानु घोर आंदोलन इस भारत वर्ष में छेड़ेगा। वो आज आपने देख लिया लाखों की भीड़ और लाखों स्टेशनों पर, लाखों बाजार में बारिश के वजह से पूरे नहीं आ पाए, लेकिन मैं पहुंचा और ऐलान करके आया हूँ यदि नहीं कर्जा माफ हुआ